इन दिस क्वेश्चन कंसिडर थ्री नॉन कुलिनियर पॉइंट्स ए बी सी विद कोऑर्डिनेट्स 0.6, 5.5 एंड -1.1 रेस्पेक्टिवली। इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी सी एंड पासिंग थ्रू द थ्रू ओरिजन। ओके, सो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है इस सर्कल की जो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब की हुई है। सो हम जानते हैं कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स ए बी सी। ओके, तो सर्कल सो लेट सपोज कर लेते हैं सर्कल इक्वेशन सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए व्हिच कोऑर्डिनेट इज 0.6। सो पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू सिक्स इन दिस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए सेटिस्फाई करेंगे इस सर्कल में क्योंकि सर्कल इस पॉइंट ए से पास कर रहा है। तो यहाँ से वैल्यू होगी 0+36 प्लस 0+12 एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 36 प्लस 12 एफ प्लस सी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास इक्वल्स टू जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से 36 प्लस 12 एफ किसके इक्वल है माइनस सी के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ दिस सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट इज 5.5। सो 25 पुट दिस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इन दिस सर्कल। सो 25 प्लस 25 प्लस 10 जी प्लस 10 एफ प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से 50 प्लस 10 जी प्लस 10 एफ इक्वल्स टू के किसके इक्वल होगा माइनस सी के। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 50 प्लस 10 जी प्लस 10 एफ इक्वल्स टू माइनस सी। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है माइनस सी किसके इक्वल है 36 प्लस 12 एफ के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये हो जाएगी 10 जी माइनस टू एफ प्लस 14 इक्वल्स टू जीरो। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये जी और एफ में इक्वेशन आ गए हमारे पास। नाउ वी नो दैट पॉइंट सी इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सर्कल हुज कोऑर्डिनेट इज -1.1। सो पुट -1.1 इन दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो 1 प्लस 1 माइनस टू जी प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2g प्लस 2f इक्वल्स टू माइनस c के इक्वल है। सो दिस इज इक्वेशन फोर्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, सो 2 माइनस 2g प्लस 2f इक्वल्स टू माइनस c, और माइनस c किसके इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट है 36 प्लस 12f, 36 प्लस 12 f के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। सो माइनस टू जी माइनस टेन एफ इक्वल्स टू 34 के इक्वल है, इक्वल्स टू 34 के इक्वल है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन फाइव। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फाइव, थ्री और फाइव से इक्वेशन थ्री को हम एज इट इज रखेंगे एज इट इज, और ये हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 जी माइनस 10 जी 10 एफ सॉरी 10 एफ प्लस 70 इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन 5 को हम एच डी रखेंगे, मीन्स माइनस 2 जी माइनस 10 एफ माइनस 34 इक्वल टू जीरो। सो इसको माइनस प्लस प्लस साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से 10 एफ से 10 एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 52 जी प्लस 104 इक्वल टू जीरो। सो जी किसके इक्वल है, जी इक्वल टू माइनस ऑफ 104 अपॉन 52। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जी इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन थर्ड। सो जी इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, 10 जी माइनस 2f प्लस 14, 10 जी माइनस 2f प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो जी इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हो गया माइनस 20 माइनस 2f प्लस 14 इक्वल्स टू जीरो। सो टू एफ किसके इक्वल आ गया, टू एफ अब हमारे पास आ गया माइनस सिक्स के। सो एफ इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस थ्री। नाउ दिस पुट जी इक्वल्स टू माइनस टू एंड एफ इक्वल्स टू माइनस थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट इज 36 प्लस 12 एफ इक्वल टू सी, 36 प्लस 2 एफ इक्वल टू माइनस सी के। ओके, सो 36 प्लस 2 एफ इज एफ इक्वल्स टू सॉरी 36 प्लस 12 एफ, ये 12 वैल्यू इंटू एफ इज एफ वैल्यू इज एफ वैल्यू माइनस थ्री।
इक्वल्स टू माइनस सी के। सो माइनस सी किसके इक्वल आ गया, 36 माइनस 36 जीरो, सो सी इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास। सो जी एंड एफ एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। सो टू जी, जी इज, जी वैल्यू इज माइनस टू थी, माइनस टू आई है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सो जी इक्वल टू माइनस टू, तो ये हो जाएगी माइनस फोर एक्स माइनस प्लस टू एफ वाई। सो एफ इज माइनस थ्री, तो वैल्यू माइनस सिक्स वाई प्लस सी, और सी वैल्यू जीरो है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजन टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन क्या होगी, सो दिस इज टी इज टू जीरो, विच इज इक्वल्स टू, सो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन इक्वल्स टू जीरो। और हमारे पास एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो कॉमा जीरो से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस सर्कल पर, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो कॉमा जीरो इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगी माइनस टू इंटू एक्स प्लस जीरो माइनस थ्री इंटू वाई प्लस जीरो, ये जीरो हो जाएंगे इक्वल्स टू जीरो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, फ्रॉम ओरिजन इज माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, इसको माइनस मल्टीप्लाई करके रख देंगे तो हो जाएगी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ओरिजन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी सर्कल पर फ्रॉम ओरिजन से। ओके, विच इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।